विदेशों में हेलोवीन का काफी क्रेज रहता है। इस दिन परिवार के गुजरे हुए लोगों को याद किया जाता है। लेकिन नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में रहने वाली लॉरा क्लार्क ने दावा किया है कि पिछले साल हेलोवीन पर उनकी एक तस्वीर में उनके स्वर्गीय पिता की परछाई कैद हुई थी। जी हाँ, लॉरा ने ये तस्वीर अपने सोशल अकाउंट पर भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा ही दावा किया है। 34 साल की लॉरा अपने 4 बच्चों और पति के साथ हेलोवीन सेलिब्रेट कर रही थी। पार्टी में लॉरा की बहन ने उनकी एक तस्वीर खींची, जिसमें वो अपने 3 साल के बेटे थियो को गोद में लिए खड़ी थी। हेलोवीन के अगले दिन जब पूरी फैमिली पार्टी की फोटोज देख रही थी, तभी लॉरा के हस्बैंड की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी। उन्हें पहली नज़र में इसमें कुछ अजीब सा दिखा। गौर से देखने पर उन्होंने नोटिस किया कि तस्वीर में लॉरा के अलावा किसी और का हाथ नजर आ रहा था, जिसने थियो को पकड़ा हुआ था। साथ ही थियो के 3 पैर नजर आ रहे थे। लॉरा के मुताबिक ये उनके पिता टेरी के हाथ थे, जिनकी मौत थियो के जन्म के कुछ ही दिनों बाद हुई थी।